पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। सभी पार्टियां रैलियों के माध्यम से जनता को अपने पाले में लेने की कोशिशों में जुटी है। वहीं चुनावी सियासत के बीच बंगाल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बंगाल पुलिस ने साउथ 24 परगना से करीब 200 क्रूड बम बरामद किए हैं। चुनाव के दौरान इतनी ज्यादा मात्रा में बम बरामद किए जाने की यह बहुत बड़ी खेप है। फिलहाल पुलिस इस बारे में जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की शुरुआत को ही साउथ 24 परगना में क्रूड बम विस्फोट हुआ था, जिसकी चपेट में आने से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जबकि 5 कार्यकर्ता घायल हुए थे। इसमें से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें कोलकाता के राजकीय अस्पताल में रेफर किया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस का दावा था कि विस्फोट होने पर घायल भाजपा कार्यकर्ता क्रूड बम बना रहे थे। घायल भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान शोभन देवनाथ, विक्रमशील, अपर्ण देवनाथ, स्वप्न कुराली और महादेव नाइक के रूप में की और महादेव नाइक के रूप में की गई थी। हालांकि घायलों में से एक ने दावा किया कि वे शुक्रवार शाम भोजन कर रहे थे, तभी उन पर क्रूड बम फेंके गए थे। इस मामले में गोसाबा की टीएमसी उम्मीदवार जयंत नस्कर ने आरोप लगाया था कि भाजपा प्रत्याशी वरुण प्रमाणिक कुछ जगहों पर उपद्रवियों की मिलीभगत से क्रूड बम लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी वरुण प्रमाणिक ने तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। इससे पहले फरवरी में बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले के निमिता रेलवे स्टेशन पर बम से हमला किया गया था। इस हमले में जाकिर हुसैन बुरी तरह से घायल हुए थे। फिलहाल इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।